आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस सेशन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना जो चल रही है सिविल सर्विसेज के लिए अभ्युदय योजना, इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज हम लोग फिर उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, कल का जो टॉपिक था उसमें थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं, तब तक लोग आ भी जाएंगे। कल के टॉपिक में हम लोगों ने बड़ा गहन अध्ययन किया था भक्ति से, भक्ति आंदोलन का सफ़र रहा कि भारत में कैसे भक्ति विकसित हुई, भक्ति का कॉन्सेप्ट कैसे आया और कर्म और ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर मिला। और शंकराचार्य ने सांस्कृतिक एकता के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए, भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए चार धामों की स्थापना कर दिया, अद्वैतवाद की स्थापना किया, स्मार्त धर्म को चलाया, पंचायतन परंपरा को शुरू किया। और ऊपर अगर देखा जाए तो ज्योतिष मठ है, ज्योतिर्मठ है यानी कि बद्रीनाथ में, और उधर पश्चिम भारत में द्वारिका शारदा पीठ है, और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है, शिव की पीठ है, और पुरी में आप देखोगे तो बलभद्र और सुभद्रा की पीठ है, और उत्तर में विष्णु की पीठ है, और पश्चिम में जो शारदा पीठ है वो कृष्ण को समर्पित है, और श्रृंगेरी पीठ जो है वो शिव को समर्पित है। तो इस तरह से चार धामों की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने किया था। और अद्वैतवाद के ही रिएक्शन से आपने देखा कि माधवाचार्य का द्वैतवाद जो बिल्कुल अपोजिट विचारधारा थी, और फिर जो है रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद, फिर वल्लभाचार्य का शुद्धा द्वैतवाद, फिर आनंद तीर्थ पूर्ण प्रज्ञ माधवाचार्य का द्वैतवाद, और फिर निम्बारकाचार्य का एक तरह से सनक संप्रदाय के थे शुद्धा द्वैतवाद या भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद, वो निम्बारकाचार्य का है, और वल्लभाचार्य का है शुद्धा द्वैतवाद, जो पुष्टि मार्ग की भी स्थापना किए थे। और पुष्टि मार्ग के जहाज के रूप में हम लोगों ने सूरदास का उल्लेख किया, और सूरदास को काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। एक भक्ति भावना के बाद उसी पीरियड में आप देखोगे तो सूफीज्म का उदय होगा, सूफीवाद, यानी कि सूफी भी कहीं ना कहीं रहस्यवादी विचारधारा है जो इस्लाम धर्म में कर्मकांड से विमुख होकर जो आध्यात्मिक एक विचारधारा आ रही है, जो आंतरिक शक्तियों पर बल दे रही है, जो एक तरह से भक्ति के आंतरिक पक्ष पर बल दे रही है, वो सूफी, यानी कि इस्लाम धर्म की जो उदारवादी रहस्यवादी व्याख्या है वो सूफिज्म के रूप में उभर रही है। तो सूफीवाद का भी डेवलपमेंट आप देखोगे कि बड़ा ही एक तरह से विविध अवस्थाओं से होता हुआ गुजरता है। और कहा जाता है कि जो नक्शबंदी सिलसिले में थो, जो भारत का सबसे कट्टरवादी सिलसिला था जिसमें शेख अहमद सरहिंदी हुआ करते थे, उसी में शाह वलीउल्लाह शाह हुआ करते थे, दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे, और उन्होंने अपने जो है तीन चरणीय विकास में इसका वर्णन किया है कि सूफीवाद के अगर विकास को समझना है तो तीन चरणों में इसको विकास को समझा जा सकता है। जैसे एक जो है छठी सातवीं और आठवीं शताब्दी में विकास, यानी कि छठी से लेकर आठवीं शताब्दी में विकास, और एक नौवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी में विकास, और एक बारहवीं शताब्दी से लेकर और अठारहवीं शताब्दी के मध्य जो विकास होता है, जो इसका विकसित चरण है। तो अगर सूफिज्म को देखा जाए कि सूफीवाद, तो सूफिज्म जो है शरीयत की विचारधारा से उत्पन्न होता है, यानी कि विकास की पहली अवस्था में आप देखोगे तो इट वाज डेवलप्ड इन द हार्ट ऑफ इस्लाम, सऊदी अरब की विचारधारा से प्रभावित ये विचारधारा है सूफिज्म की विचारधारा, और ये कहीं ना कहीं सऊदी अरब से प्रभावित है, इसलिए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को पहला सूफी संत माना जाता है। यानी कि जो फर्स्ट फेज़ है डेवलपमेंट का, उसमें आप देखोगे तो दो सूफी संत हैं बड़े फेमस हैं, जिसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब खुद हैं। तो विकास के तीन चरणीय विकास की बात किया शाह वलीउल्लाह शाह,
तो अगर इस दौर को देखा जाए, पहले हम लोग इसी दौर को देखते हैं कि विकास के जो विविध चरण हैं, सूफिज्म जो है, सूफी जो है, सूफी एक तरह से कह लीजिए जो इस्लाम का रहस्यवादी विचारधारा है, इसको समझने के लिए विकास के जो त्रिआयामी चरण हैं, जो तीन चरण में विकास को दिखाया गया है, विकास के तीन चरण, और इस तीन चरण की व्याख्या जो है शाह वलीउल्लाह शाह ने किया था, और इसके अगर प्रारंभिक चरण में देखा जाए जो पहला चरण इसका है, तो वो सातवीं सदी से लेकर और आठवीं नौवीं सदी तक, आठवीं सदी के दौर में है पहला चरण, दूसरा चरण नौवीं सदी से लेकर और बारहवीं सदी तक है, बारहवीं सदी तक है दूसरा चरण, और तीसरा चरण जो है बारहवीं सदी से लेकर और अठारहवीं सदी तक, जब विविध सिलसिले के रूप में इसका विकास देखने को मिलता है। तो जो पहला चरण है इसका विकास का, उसमें हम लोग देखेंगे तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब पहले सूफी संत कहलाए, और इसी में एक बसरा के हैं हसन बसरी साहब, हसन बसरी साहब, यानी कि इस दौर में आप देखोगे तो जो सूफी संत हैं वो खुदा के खौफ में, डर एक तरह से बना था इनका कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि गॉड इज़ ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट, सर्वत्र सत्ता उसकी व्याप्त है, खुदा के नज़रों से कोई ओझल नहीं हो सकता है, तो बंदे के हर कारनामे वहाँ दर्ज होते हैं, नोट होते हैं। तो इसलिए पहला जो दौर आया सूफीवाद का, जिसमें हम लोग कहते हैं कि सूफिज्म वाज़ ओरिजिनेटेड इन द हार्ट ऑफ इस्लाम, सऊदी अरब में ये विचारधारा डेवलप हो रही है, और कहीं ना कहीं पैगंबर साहब वाज़ द फर्स्ट सूफी सेंट। पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो सूफी, पहले सूफी साधक के रूप में पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब थे, जो हीरा के पहाड़ियों में, जो सफ़ा के पहाड़ियों में जाकर चिंतन किया करते थे, और चिंतन करते करते उनको जो है एक तरह से जिब्राइल का संदेश मिलता है, और वो सिद्ध हो जाते हैं, रसूल हो जाते हैं, नबी हो जाते हैं, और पैगंबर की उपाधि धारण कर लेते हैं। यानी कि कहा जाए कि जो सूफी साधक के रूप में एक विचारधारा आ रही है, उसमें दो सूफी संत हैं, हसन बसरी साहब हैं बसरा के, बगदाद इराक की विचारधारा, ये खुदा के गम में, खुदा के खौफ में आड़ में बैठकर रोया करते थे कि कहीं समथिंग रॉन्ग, कोई गलती तो नहीं हो गई। तो इस तरह की एक डर थी, एक बंदे को खुदा का एक डर था कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही जाने अनजाने में। लेकिन एक दूसरा दौर आया जिसमें आप देखोगे कि एक जो है, दूसरे दौर में अगर देखा जाए तो आठवीं शताब्दी में राबिया का दौर आया, राबिया, और राबिया को कहा जाए कि ये सूफी साधिका हैं, ये भी बगदाद में हैं, और ये सूफी साधिका के रूप में ईश्वर में अपने को विलीन करके और आजीवन कुंवारी रहती हैं, मीराबाई से तुलना की जाती है इनकी। एक सूफी साधिका के रूप में राबिया का नाम लिया जाता है, यानी कि आप देखोगे महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। अगर इस विचारधारा में देखा जाए महिलाओं की भूमिका, तो बीबी जुलेखा, बीबी जुलेखा जो निज़ामुद्दीन औलिया की माँ हुआ करती थी, और बीबी एक तरह से कह लीजिए सारा, जो एक बार जो है दिल्ली में सूखा पड़ा था, तो उन्होंने अपने शक्ति से, अपने चमत्कार से बारिश कराया था। तो बीबी जुलेखा हैं, बीबी सारा हैं, और मुग़ल काल में आप देखोगे तो जहां नारा, जो एक तरह से दारा की बहन, खुर्रम की बेटी, जहां नारा को कहा जाता है, मख्फी के नाम से ये कविताएं किया करती थी, और एक सूफी साधिका थी। जहानारा ने लिखा भी है मियाँ मीर के बारे में, और जहानारा ने शाहवल जो है मुल्ला शाह बदक्सी के बारे में जीवन वृत्तांत इन्होंने लिखा है शाहिबिया के नाम से।
तो जहानारा भी एक बहुत बड़ी सूफी साधिका थी, जो दारा सिको भाई और जहानारा बहन के रूप में बड़ा आपस में बड़ी जो है प्रेम मोहब्बत सौहार्द हुआ करता था। तो एक चीज़ आप देखोगे कि सूफी साधिका में बहुत से लोगों का नाम मिलेगा, और राबिया का भी नाम है। तो प्रारंभ में आप देखोगे तो राबिया का नाम बड़ा प्रचलित रहता है। इसके बाद इसमें एक सूफी संत आते हैं, जो है उनको कहते हैं कि जो एक तरह से अपने को मंसूर हल्लाज करके आते हैं। मंसूर हल्लाज एक ऐसे सूफी साधक हैं, मंसूर हल्लाज, इन पर भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी। और ये अपने को कहते थे एनल हक, कहते थे कि आई एम गॉड। ये अपने को बार बार कहते हैं कि मुझे देखो, मैं खुदा हूँ, और अपने को खुदा के रूप में प्रस्तुत किया इन्होंने, मंसूर हल्लाज साहब। और एनल हक कहते थे, एक विचारधाता आती है कि अनल हक, अनल हक करके पुकारा जाता है कि आई एम गॉड। और जब इन्होंने अपने को खुदा पुकारा तो इनको सजाए मौत की सज़ा दी गई, यानी कि फांसी की सज़ा दी गई। क्योंकि कोई भी बंदा इतना नहीं हो सकता कि वो अपने को खुदा ही पुकारे, बहुत बड़ा अंतर है। सही, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो देखो आपकी यहाँ जो है मंसूर अल्लाह साहब को सजाए मौत की सज़ा दे दिया गया, क्योंकि वो अपने को आई एम द गॉड कहते थे कि मैं खुदा हूँ, और मेरे को देखो आप, मेरे में वो अक्स है खुदा का और मैं खुदा हूँ। तो इन्होंने जब अपने को घोषित कर दिया तो इनको जो है फांसी की सज़ा हो गई। इसके बाद अबू यजीद बिस्तामी साहब हैं। अबू यजीद बिस्तामी साहब ने 9वीं शताब्दी में 1875 में फना का विचार दिया। फना का मतलब अपने अस्तित्व को विलीन कर लेना, अपने अस्तित्व को उस परम सत्ता में विलीन कर लेना, यानी कि साधक और साधिका, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका की भूमिका जो होती है, जो साधक और साधिका की भूमिका होती है, उस अस्तित्व में अपने को फना कर लेना, यानी कि भौतिक चीज़ों से, सांसारिक चीज़ों से, माया मोह से अपने को ख़त्म कर लेना और उस परम सत्ता में विलीन हो जाना, ये फना की अवस्था। और इस फना शब्द को जो है ईजाद करने का श्रेय अबू यजीद बिस्तामी साहब को दिया जाता है। और बिस्तामी साहब जो है कहा करते थे कि एक तरह से कह लीजिए कि ये जो शब्द है फना, इसमें बिल्कुल अपनी सत्ता को, इसी से आप देखोगे तो एक जुड़ेगा सिद्धांत वजूदिया और शुहूदिया। बाद में दो सिद्धांत निकल कर आएंगे, एक तो बहदतुल वजूद का सिद्धांत जिसको इब्न अल अरबी ने दिया, और एक बहदतुल सुहूद का सिद्धांत आएगा जिसको अलाउद्दीन सिमनानी ने दिया। तो दो प्रकार की विचारधारा उत्पन्न होती है, एक वजूदिया की विचारधारा और एक सुहूदिया की विचारधारा। इस विचारधारा से आप देखोगे तो एक इब्न अल अरबी हुआ करते थे, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया वदतुल वजूद का सिद्धांत दिया, जिसे हम लोग वजूदिया के नाम से जानते हैं। और एक अलाउद्दीन सिमनानी हुआ करते थे, अलाउद्दीन सिमनानी ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग शुहूदिया के नाम से संबोधित करते थे। ये विचारधाराओं में भी आएगा वजूदिया और सुहूदिया। वजूदिया का मतलब क्या है कि एक तरह से कह लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ अद्वैतवादी विचारधारा, और सुहूदिया का मतलब है द्वैतवादी विचारधारा, यानी कि साधक और साधिका दोनों हों, आशिक और आशिका दोनों हों, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों की अवस्था, यानी कि परमात्मा और जीवात्मा
दोनों की अवस्था है, लेकिन जीवात्मा पूरी तरह समाहित है परमात्मा में और जीवात्मा का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और यह विलीनीकरण की जो अवस्था है यही है वजूदिया की अवस्था। वजूदिया का मतलब कि असली वजूद किसका है, द रियल एग्जिस्टेंस। परम सत्ता की अवस्था है, पहले देखने पर ऐसा लगता है, बाद में जब अवस्था का परिवर्तन होता है तो लगता है कि उसी की वास्तविक सत्ता है। लेकिन पहले लगता है कि साधक और साधिका दोनों की सत्ता है। इसका मतलब वहदतुल वजूद का जो सिद्धांत है, असली वजूद है अगर किसी का है तो परम सत्ता का। तो इब्नुल अरबी साहब ने इसको वजूदिया के नाम से संबोधित किया, लेकिन बाद में एक सिद्धांत आया कि नहीं, जीवात्मा और परमात्मा दोनों की सत्ता, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों की सत्ता है। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों की सत्ता को जब माना गया, यानी कि सूफी साधक, एक तो जीवात्मा है जिसको हम लोग सूफी साधक के नाम से जानते हैं, और एक गॉड है, अल्लाह है, ईश्वर है, जो परमात्मा के रूप में है, जो एक तरह से कह लीजिए साध्य है, यानी कि भक्त और भगवान के बीच में माध्यम क्या है, प्रेम और इश्क का माध्यम, यानी कि इसके मजीजी के दुनिया से इसके हकीकी के दुनिया में पहुंचना, सांसारिक प्यार को त्यागना है और उस परम सत्ता से अपने को एकाकृत करना है, एकाकार करना है, फना कर जाना है, ताकि पूर्ण रूप से जब विलीनीकरण हो तो वो बका की अवस्था। जब पूर्ण रूप से विलीनीकरण हो जाता है तो ऐसी अवस्था को हम लोग बका की अवस्था कहते हैं, और जब विलीन हो जाता है पहली बार तो उसको हम लोग फना की अवस्था कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि पहले संन्यास से पहले क्या है, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। वानप्रस्थ में लगता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण तो कर रहा व्यक्ति, लेकिन संन्यास में लगता है कि इंद्रियां पूरी तरह नियंत्रित हैं, जितेंद्रिय है, इंद्रिया अतीत है। जैसे आप जैन में एक सिद्धांत पढ़े होंगे, जैन में जो आश्रय है, बंधन है, संवर है, निर्जरा है, कैवल्य है, तो जो निर्जरा की अवस्था है वो अजीव की जीव में समाप्ति की अवस्था है, और जो कैवल्य की अवस्था है वो बिल्कुल एक तरह से पूर्णतया अजीव की मात्रा जब जीव में समाप्त हो जाती है तो वो अवस्था है पूर्ण विलीनीकरण की अवस्था, और वही है बका की अवस्था, यानी कि वजूदिया की अवस्था। तो वजूदिया को बका मान लिया जाता है और सुहूदिया को फना की अवस्था से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से अलाउद्दीन सिमनानी और इब्ने अरबी का नाम लिया जाता है। और बीच में एक बहुत बड़े सूफी साधक आए, अल गजाली। अल गजाली साहब ने विरोध को एक तरह से समाप्त किया और बोले नहीं, दोनों में एक दूसरे के पूरक हैं, और ये जो कट्टरवाद का सिलसिला एक तरह से चला आ रहा था, कट्टरता का, उसमें उन्होंने एक समन्वय का काम किया और सूफीवाद को एक नई दिशा देने का जो काम किया वो अल गजाली साहब ने किया। तो इस तरह से आप देखोगे कि इस राउंड में, इस दौर में ढेर सारे विद्वान मिलेंगे, जिसमें अबू यजीद बिस्तामी साहब मिलेंगे जिन्होंने पहली बार फना का प्रयोग किया, और मंसूर हल्लाज साहब को कहा जाए कि इन्होंने जब अपने को अनहलक घोषित कर दिया तो इनको जो है एक तरह से वहाँ सजाए मौत की सजा दे दी गई। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो पहले दौर में और दूसरे दौर में सूफीवाद इस तरह से दो सिद्धांतों को देखते हुए, यानी कि इसे सुहूदिया का भी सिद्धांत मिल जाता है और इसे वजूदिया का भी सिद्धांत मिल जाता है। अब इसी के बाद आप देखोगे कि भारत में अरबी आक्रमण होने लगता है, और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण होते हैं, फिर महमूद गजनवी के आक्रमण होते हैं, और महमूद गजनवी के आक्रमण के समय में बहुत से सूफी साधक भारत के बॉर्डर एरियाज़ में, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आने का प्रयास करते हैं, और उसी में महमूद गजनवी ने जब 1001 में आक्रमण किया था तो एक शेख इस्माइल साहब थे, उनका भारत में आगमन होता है। यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए
तो जब लास्ट दौर में हम लोग प्रवेश करते हैं, सूफीवाद के लास्ट दौर में जब सिलसिले की बारी आएगी, सूफिज्म को समझने के लिए पूरे सिलसिले को समझना ज़रूरी है, और इसमें शुरुआत जब होता है तो माना जाता है कि महमूद गजनवी के समय में शेख इस्माइल साहब आते हैं पहले, और फिर उन्हीं के बाद, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच में लाइट का थोड़ा व्यवधान आ रहा है। रेडी आ गया? अभी नहीं है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच में लाइट का व्यवधान आ गया। तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे कैसे सूफी दूसरे चरण में एक विकास हुआ, तो ढेर सारे सूफी संत आए, जैसे ख्वाजा मंसूर साहब हैं, बिस्तामी साहब हैं, जो फना का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दो सिद्धांत मिल जाते हैं जिसको हम लोग वजूदिया और शुहुदिया के नाम से जानते हैं। अब अगर सूफीवाद को पूरी तरह रिप्रेजेंट करना है, सूफीवाद को पूरी तरह समझना है, तो इनकी जो विभिन्न शब्दावलियाँ हैं इनको भी जानना बड़ी महत्वपूर्ण है। और उसी में आप देखोगे कि इनके ढेर सारे संप्रदाय हैं, जैसे चिश्तिया संप्रदाय है, जैसे सोहरावर्दी संप्रदाय है, जैसे कादरी सिलसिला है, जैसे सत्तारी सिलसिला है, जैसे नक्शबंदी सिलसिला है, कबराबिया सिलसिला है, एक ऋषि आंदोलन चलाया गया कश्मीर में, और एक जो है फिरदौसिया सिलसिला है बिहार में, जो है राजगीर में फिरदौसिया सिलसिला है, और एक रोशनैया सिलसिला भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। तो बहुत ढेर सारे सिलसिले हैं। सिलसिलों का मतलब है कि इनकी जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, सिलसिला का वास्तविक मतलब होता है जंजीर, जो इनकी श्रृंखला है। वैसे तो आप देखा जाए सूफीवाद के दुनिया में 175 सिलसिले हैं, लेकिन अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में कुल 14 सिलसिलों का उल्लेख किया था, जिसमें 12 सिलसिले तो महत्वपूर्ण हैं, और उसमें भी आप देखोगे तो भारत में 10 सिलसिले अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल। लेकिन सवाल ये उठता है कि सूफिज्म है क्या, सूफीवाद है क्या, ये विचारधारा कैसे उत्पन्न हो रही है, सूफी कहते किसे हैं। जैसे भक्ति एक साधन था, उसी तरह सूफी भी इष्ट देव को प्राप्त करने के लिए, उस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए साधक को एक साधन के रूप में मिला। तो हम लोग एक चीज़ ये देखते हैं कि सूफीवाद जो सूफिज्म है या सूफीवाद है, ये भी एक प्रकार का रहस्यवाद है, यानी कि इस्लामिक रहस्यवाद को ही सूफीवाद कहा जा सकता है। और जो रहस्यवाद है, जो मिस्टिसिज्म है, रहस्य को वही बता सकता है जिसने रहस्य का साक्षात्कार किया है, क्योंकि रहस्य के बारे में कहा जाता है कि दैट कैन नॉट बी स्पोकन इन टू लैंग्वेज। जिसको इहलाम होगा, जिसको बोध होगा, जिसको निर्वाण होगा, जो कैवल्य को प्राप्त करेगा, जो प्रॉफिट बनेगा, उसी को रहस्य का पता चलता है। द स्पीचेज ऑफ गॉड, उस परम सत्ता की बाणियों को पता, उस परम सत्ता के बारे में पता, जैसे कहा जाए श्रीमद् भागवत गीता, कुरान शरीफ, इनमें जो बातें हैं ये बिल्कुल प्योर डिवाइन स्पीचेज हैं, यानी कि डिवाइन स्पीचेज हैं, जो उन्हीं के शब्दों में दिया गया संसार को, वो है कुरान शरीफ, वो है ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, वो है श्रीमद् भागवत गीता। यानी कि जो नारायण के रूप में, जो नारायण के रूप में कृष्ण ने अर्जुन को एक संसार का माध्यम बनाकर जो उपदेश दिया, वो है श्रीमद् भागवत गीता। तो उसमें जो उक्तियां हैं, उसमें जो कथन है, जैसे आप देखोगे तज़किरा लिखे जाएंगे, मलफूजात लिखे जाएंगे, मकतूबात लिखे जाएंगे, जो सूफी संतों के लेटर्स हैं, मलफूजात लिखे जाएंगे, जो सूफी संतों की एक तरह से प्रवचन है, कथन है, इनका संकलन किया जाएगा।
और तजकिरा लिखा जाएगा जो इनके जीवन परिचय है, जो इनकी जीवनियां हैं, उसको तजकिरा के रूप में देखा गया। तो तजकिरा है, मलफूजात है, मलकूबात है, मकतूबात है, इन पर भी ध्यान रखना हम लोगों को। तो अगर देखा जाए कि सूफी शब्द बना कैसे, तो कल हम लोग थोड़ा सा इस पर फोकस कर रहे थे कि शफा है, शूफ है, शफ है और शोफिया। अगर इस सूफी शब्द को, अरबी भाषा का शब्द है और इसे अगर समझना है, ये चार शब्दों पर फोकस करना पड़ेगा। यानी कि इन चार शब्दों का अगर बोध हो गया तो ये चार शब्द मिलकर बनते हैं क्या, सूफिज्म, सूफी। यानी कि जिसके पास, जिसमें ये क्वालिटी हो, जिसमें सफा हो, जिसमें सूफ हो, जिसमें सफ हो, जिसमें व्यवहारिक ज्ञान हो, सोफिया हो, वही सूफी। तो इस्लामिक रहस्यवाद है, एक बाह्य विचारधारा है, एक आंतरिक विचारधारा है, लेकिन यह एक आंतरिक विचारधारा है, ये उदारवादी विचारधारा है। इस्लाम धर्म की जो उदारवादी रहस्यवादी विचारधारा है वही सूफिज्म के नाम से जानी जाती है। अब इसमें देखा जाए तो एक शब्द है सफा, जिसका मतलब द्वि अर्थक होता है, सफा मानी होता है। एक पहाड़ी भी है सफा, और एक पवित्रता के सेंस में है, आचार विचार में पवित्रता, पायस कोड ऑफ कंडक्ट। सफा का जो सेंस लिया जाता है कि एक तरह से पवित्र आचार विचार के जो लोग हैं वो सूफी कहलाते हैं, जो सदाचार पर बल देते हैं, जो नैतिकता पर बल देते हैं। भारतीय समाज को सूफीवाद एक बहुत बड़ी देन है, और जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक बांध का काम करता है, एक सेतु का काम करता है, सूफिज्म एक जोड़ने की कड़ी का काम करता है। क्योंकि ये क्या है, गुरु की महत्ता पर आधारित है, सदाचार पर आधारित है, एकता पर आधारित है, भेदभाव के मिटाने की विचारधारा पर आधारित है, सभी से प्रेम करने की विचारधारा पर आधारित है। तभी आप देखो कि ख्वाजा साहब के दरगाह पर हिंदू भी जाते हैं, सभी धर्मों के लोग मत्था टेकने जाते हैं ख्वाजा साहब के दरगाह पर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सूफिज्म को सारा संसार एक जैसा दिखता है। सूफी संत को किसी से कोई भेदभाव नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। तो इन लोगों ने जो गंगा यमुना संस्कृति का विकास किया, जो तहजीब दिया, जो कंपोजिट कल्चर को दिया, वो भारतीय समाज पर सूफीवाद की बहुत बड़ी देन माना जा सकता। यानी कि सूफी कौन है, जो आचार विचार में पवित्रता को रखता है, पवित्रता को रखता है, पवित्र आचार विचार के लोग। और सूफ कौन है, क्योंकि ये ईरान के ठंडी जलवायु में एक काफिले के रूप में चला करते थे, तो वहाँ का परिवेश, चूँकि खुरासान का, ईरान का ठंडी जलवायु वाला परिवेश था, इसलिए वहाँ ये कंबल जो ओढ़ते थे, ऊनी लबादा जो पहनते थे, पश्मीना नस्ल के जो ऊलन ड्रेस पहनते थे, जो इनका वेशभूषा था, जो इनका पहनावा था, जो इनका ड्रेस कोड था, वो है सूफ। क्योंकि व्यक्ति अपने पहनावे से जाना जाता है, यानी कि पहनावा इनका क्या है, ड्रेस कोड इनका क्या है। एक तो आचार विचार में पवित्रता है, और दूसरी इनका अपना पर्टिकुलर ड्रेस कोड है, जिसके कारण व्यक्ति जाना जाता है। यूनिफॉर्म न हो, वर्दी में न हो व्यक्ति, तो उसकी पहचान नहीं। और संत की पहचान कैसे होती है, उसके ड्रेस से होती है। तो सूफ भी अल्टीमेटली क्या बनता है, सूफी बनता है। और इसके बाद एक है सफ। सफ का मतलब होता है कि जो अनुशासन में रहता है, जो जीवन में एक तरह से अनुशासन को फॉलो करता है, जो नियम सिद्धांत के अनुसार चलता है, जो शरीयत के अनुसार चलता है,
जो जीवन में नियम सिद्धांत को अमल करता है, जो भगवान के द्वारा बनाए गए नियम सिद्धांत, जो उसकी मेन विचारधारा उसके अनुसार चलता है, उसको कहते हैं कि सफ, यानी कि एटिकेट एंड मैनर, यानी कि इन्हें लाइन इन्हें आर्डर। नमाज पढ़ते समय आप देखो पंक्तिबद्ध होकर, कभी आप परेड देखो, जब 26 जनवरी 15 अगस्त आप देखो परेड जब होता है ग्राउंड में, तो आप देखो इक्वल हाइट होती है, ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि बिल्कुल इन्हें आर्डर, इन्हें लाइन, इन्हें पंक्ति, पंक्तिबद्ध होना। कभी आप देखो, कभी जब अव्यवस्था आती है तो इसका मतलब पंक्ति को कोई आकर तोड़ देता है। तो जीवन में अनुशासन का होना क्या कहलाता है? सफ कहलाता है। और सफ भी अल्टीमेटली क्या बना? सूफी बना। और एक शब्द बड़ा मन को लुभाता है, सोफिया, हु हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज। किताबों से दुनिया नहीं चलती है। कबीर दास ने कहा था, मसी कागज छूयो नहीं, कलम दही नहीं हाथ। किताबों से नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या? कम पढ़े लिखे लोग दुनिया पर राज किए, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। और वो व्यवहारिक ज्ञान जिसके पास है, जो सोफिया को रखता है, वो सूफी कहलाता है। और इसी से बना है दर्शन में क्या? फिलोसधन सोफिया। फिलोसधन सोफिया का मतलब क्या है? कि जिसको क्यूरियोसिटी टू नो समथिंग, ज्ञान की तड़प हो, व्यवहारिक ज्ञान की तड़प जिसमें हो, वही जो है क्यूरियोसिटी टू हैव समथिंग, टू नो समथिंग। और जानने के चक्कर में वेद लिख दिए गए, संसार की सृष्टि जानने के चक्कर में हुई। हम आप संसार में आए उसका एक ही कारण था, द टेंडेंसी टू बी बॉर्न। 12 करोड़ स्पर्म से लड़कर इंसान का जन्म होता है, इसलिए वो अपने को कह सकता है कि मैं बाई बर्थ भी जीता हूं। सेट कर लो, हाँ सेट हो जाएगा धीरे धीरे। हो गया? सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो सोफिया को रखने वाला, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान को रखने वाला, सूफी कहलाता है। यानी कि ये चार क्वालिटी अगर आप देखो जिसमें है, वही सूफी है। यानी कि सूफीवाद में, सूफीवाद, सूफी को जानने के लिए जिसके पास आचार विचार में पवित्रता हो, एक पर्टिकुलर ड्रेस हो, नियम सिद्धांत को फॉलो करता हो जीवन में, और एक व्यवहारिक ज्ञान को रखता है, वही सूफी। इसके बाद और कुछ शब्दावलियाँ इसमें आई। जैसे आप देखोगे एक शब्दावली आती है समा। समा एक बड़ा फेमस शब्द है, समा है। और एक है अपना खानकाह, खानकाह है। और एक है पीर है, और एक मुरीद है, पीर और मुरीद। समा, खानकाह, पीर और मुरीद। समा का मतलब होता है कि जो संगीत के माध्यम से ये जो जुड़ाव करना चाह रहे हैं, संगीत के माध्यम से जो एकाकार करना चाह रहे हैं, कव्वाली के माध्यम से, गायन के माध्यम से, वादन के माध्यम से जो ये प्रभु को रिझाना चाह रहे हैं, यानी कि जो इनके दरगाह पर, जहाँ इनकी मजार बनी है, वहाँ समा और संगीत का आयोजन होता है। यानी कि संगीत में संगोष्ठियों को ही समा कहते हैं। समा बांध देना, समाए महफिल, यानी कि समा का मतलब क्या है? संगीत में संगोष्ठियाँ। और इसमें आप देखोगे कि खानकाह, खानकाह का मतलब जो कुटिया है, जो इनका रहने का स्थान है, खानकाए नियाजिया, जो सूफी संतों के रहने का स्थान है, उसको खानकाह के नाम से संबोधित करते हैं। जो बार बार ये शब्दावली परीक्षा उपयोगी है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। इसी तरह से गुरु की जरूरत होती है। पीर और मुरीदी की बहुत बड़ी एक परंपरा चली जो है,
पीर का मतलब है कि जो गुरु, और मुरीद का मतलब है जो शिष्य, जो शिष्य उस घाटियों को पार होना चाह रहा है, जो मुकामात की 10 घाटियां हैं उसको जो पार होना चाह रहा है उसको कहा जाए कि एक तरह से मुरीद है। लेकिन मुरीद तब तक हकीकत को नहीं जान पाएगा जब तक उसका सानिध्य पीर से नहीं होगा। इसलिए पीर और मुरीद की एक बहुत बड़ी परंपरा सूफीवाद में देखने को मिलती है। इसके बाद आप देखोगे, एक हमने बीच में एक सिद्धांत आपको बताया था कि एक तो वजूदिया का सिद्धांत है और एक सुहूदिया का सिद्धांत है। सुहूदिया और वजूदिया का सिद्धांत है, इसको कहा जाए कि जो वजूदिया का सिद्धांत है इसी को हम लोगों ने एक तरह से बका की अवस्था के रूप में जाना। वजूदिया का सिद्धांत जो इब्न अल अरबी के द्वारा दिया गया, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अद्वैतवाद। असली वजूद किसका है और इसको हम लोग कहते हैं द्वैतवाद। यानी कि जो इब्न अल अरबी के द्वारा सिद्धांत दिया गया वजूदिया का कि असली वजूद किसका है, उस परम सत्ता का है और उसके सामने जीवात्मा का अस्तित्व नहीं है। यानी कि जीवात्मा अल्टीमेटली किस में समा जाएगी, उस परम सत्ता में। यानी कि वजूदिया और शुहूदिया के जो सिद्धांत आए, शुहूदिया का सिद्धांत बाद में आया, जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं। लेकिन जब उच्च पराकाष्ठा की अवस्था आती है, जब जीव समझ लेता अपने को, तो लगता है कि एकाकार हो जाता है और फना की अवस्था में वो भेदभाव खत्म हो जाता है। लेकिन अगर दोनों के अंदर, दोनों के मध्य भेदभाव बना हुआ है तो वो द्वैतवाद की अवस्था है। और उसी को हम लोग, अलाउद्दीन सिमनानी ने उसी को वादतुल सुहूद के नाम से संबोधित किया था, जो ये सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण रहे। इसके बाद आप देखोगे कि मुकामात की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया, यानी कि मुकामात की विभिन्न अवस्थाएं, यानी कि विभिन्न घाटियों से होकर मुरीद जो है, यानी कि वहां तक पहुंचता है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये विविध घाटियां हैं, और इसको हम लोग विविध चरण भी कह सकते हैं, विविध अवस्थाएं भी कह सकते हैं, स्टेजेज हैं। यानी कि एक कह लीजिए कि मंजिल को प्राप्त करने के लिए सूफी साधक को शादिका तक पहुंचने के लिए, यानी कि प्रियतमा तक पहुंचने के लिए विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया, विभिन्न घाटियों का वर्णन किया गया है जो 10 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। और 10 अवस्थाओं में आप देखोगे तो पहली जो महत्वपूर्ण अवस्था है इसको हम लोग एक नाम देते हैं, उबूदियत की अवस्था। तो इसको हम लोग विविध चरण के रूप में समझ सकते हैं, विविध घाटियों के रूप में। और जो पहली अवस्था है उसको हम लोग उबूदियत की अवस्था कहते हैं। उबूदियत का मतलब होता है कि मनुष्यता की अवस्था, संसार में उसके आने की अवस्था उबूदियत की अवस्था, मनुष्यता की अवस्था, मनुष्य के गुण की अवस्था। और इसके बाद दूसरी जो अवस्था आती है उसको हम लोग शरीयत की अवस्था कहते हैं। और ये शरीयत की अवस्था का मतलब क्या है, उसको कुरान शरीफ का पाठ पढ़ना पड़ेगा और नियम सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि शरीयत की अवस्था में वो नियम सिद्धांत को फॉलो करता है, और जो बनाए गए नियम सिद्धांत हैं, जैसे जो है एक तरह से कह लीजिए रोज़ा रखना और हज की यात्रा करना और एक तरह से नमाज पढ़ना, तो ये जो बनाए गए सिद्धांत, जो 5 सिद्धांत हैं इस्लाम धर्म में, उसको फॉलो करना शरीयत की अवस्था। और शरीयत की अवस्था एक तरह से कह लीजिए कि सऊदी अरब की अवस्था, जिसको हम लोग एक मेन अवस्था के रूप में जानते हैं, जैसे जिसको हम लोग बासरा की अवस्था कहते हैं। इसमें भी आप देखोगे तो 2 प्रकार के सिलसिले आएंगे, एक तो बासरा आएंगे और एक बेसरा आएंगे। जो नियम सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं उनको बेसरा के नाम से जानते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बार बार लाइट कट रही है क्योंकि आंधी तूफान है, तेज हवाएं हैं, इसलिए बार बार लाइट डिस्कनेक्ट हो रही है। चलिए आप लोग कंसंट्रेशन में रहो बिल्कुल, क्योंकि सूफीवाद हम लोग पढ़ रहे हैं, एक सिलसिला है, चलता रहेगा ये। तो मुकामात यानी कि विविध चरण हैं, विभिन्न अवस्थाएं हैं जिनसे होकर एक साधक
अपनी साधना के माध्यम से वहाँ पहुँचना चाह रहा है। तो पहली अवस्था को हम लोग उबूदियत की अवस्था कहते हैं, दूसरी अवस्था को हम लोग सरियत की अवस्था कहते हैं, और जो सऊदी अरब की है यानी कि सऊदी अरब की अवस्था है, और एक तरह से कह लीजिए कि कुरान शरीफ की अवस्था है। जो कुरान शरीफ है शरीयत के अनुसार, शरीयत का मतलब अकॉर्डिंग टू कुरान शरीफ, जो नियम सिद्धांत वहाँ बताए गए हैं उसके अनुसार चलना, शरीयत की विचारधारा जो सऊदी अरब को प्रतिबंधित करती है। इसके बाद थोड़ा सा आगे जब हम लोग और बढ़े तो तरीकत की अवस्था मिली, और तरीकत की जो अवस्था है इसको कहा जाए कि ये ईरान की विचारधारा है और सूफीवाद की एक उदारवादी और रहस्यवादी विचारधारा। एक कह लीजिए कि जो शरीयत से तरीकत की ओर विचारधारा जो जाती है, जिसमें एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बेसरा की विचारधारा, यानी कि बासरा की जो विचारधारा है उसमें वजूदिया और शुहूदिया सिद्धांत देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत में बहुत से ऐसे सिलसिले रहे जो बेसरा के रूप में रहे, यानी कि नियम सिद्धांत को ताक पर रखकर, जैसे समा संगीत का आयोजन करना और इस तरह की बातें करना, जैसे आपके सदा सुहागन वाले हैं, शेख मूसा हैं, वो स्त्री भेष में धारण करके और सूफीवाद का प्रचार प्रसार करते हैं। तो बहुत से ऐसे सिलसिले हैं जो बेसरा के रूप में, बेसरा का मतलब क्या है कि जो नियम सिद्धांत का उल्लंघन करता हो। तो इस तरह से तरीकत की अवस्था है। तरीकत के बाद आप देखोगे एक अवस्था आएगी मरीफत की अवस्था। मरीफत की अवस्था का मतलब है कि मोक्ष की अवस्था, यानी कि अब जरूरत होगी, जब मोक्ष को, मोक्ष की प्राप्ति की अवस्था के घाटी में जब वो आएगा, यानी कि मुरीद जब यहाँ पहुँचेगा तो उसे पीर की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना गुरु के मुरीद जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, वो अपने साधना को वहाँ तक ले नहीं जा सकता है। इसलिए इस अवस्था में हकीकत को जानने के लिए कहीं ना कहीं मुरीद को पीर की ज़रूरत है। तो मरीफत के बाद आप देखोगे कि हकीकत की अवस्था है, और इसी हकीकत की अवस्था में उसको जो है रियलिटी का ज्ञान होता है, यानी कि एक चमत्कार होता है, एक रियलिटी का पता चलता है कि वस्तु स्थिति क्या है, यानी कि संसार की वास्तविकता क्या है, संसार में जो विलीन होकर संसार को समझने का भाव है, यानी कि संसार को समझना, यानी कि संसार की रियलिटी को, वस्तु स्थिति को समझना, वो एक तरह से कह लीजिए कि हकीकत की अवस्था है। और इसके बाद लास्ट में दो स्टेजेस हैं जिसको हम लोग फना और बका की अवस्था के नाम से जानते हैं। फना और बका की अवस्था है, फना की अवस्था को हम लोग कह सकते हैं कि यह एक तरह से समाहित होने की अवस्था है, विलीनीकरण की अवस्था है, लेकिन पूरी तरह से अपने अस्तित्व को खोने की अवस्था नहीं, यानी कि जब दोनों का अस्तित्व बरकरार रहता है, यानी कि द्वैतवाद की अवस्था है जिसको हम लोग सुहूदिया के अवस्था के नाम से भी जानते हैं। जो सुहूदिया की अवस्था वो द्वैत की अवस्था, फना की अवस्था, यानी कि भौतिकता को त्यागने की अवस्था है, अपने अहम को त्यागने की अवस्था, संसार को पहचानने की अवस्था है, यानी कि परम सत्ता में विलीन होने की अवस्था है। लेकिन जब जीवात्मा, जब साधक अपना पूरा अस्तित्व खो देता है तो वो लास्ट स्टेज है जिसको हम लोग बका की अवस्था के नाम से जानते हैं। तो फना को अगर हम लोग प्रस्तुत करें तो फना को हम लोग द्वैतवाद के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, और बका को हम लोग फिर अद्वैतवाद के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। जैसे फना में आपने देखा होगा कि फना पिक्चर में बार बार वो गाना आता है, तेरे दिल में मेरे सांसों को पनाह मिल जाए, यानी कि तेरे मेरे का जो भाव, एक आशिका और मासुका का जो भाव, ये प्रियतम और प्रियतमा का जो भाव है, यानी कि एक तरह से जो संसार से प्यार न करके इसके मजीजी के दुनिया में न रहकर इसके हकीकी के दुनिया में पहुंचना है, वो जो अल्टीमेट भाव है वो अंतिम रूप से कह लीजिए कि बका की अवस्था, जहाँ भेदभाव की पूरी तरह समाप्ति हो जाती है और जीवात्मा परमात्मा में पूरी तरह समाहित हो जाता है। अब इसमें एक शब्दावली जो हम लोगों ने देखा था कि एक तो बासरा की अवस्था है, बासरा है, दो विचारधाराएं हैं, और एक बेसरा,
बासरा और बेसरा, तो बासरा को हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू शरीयत, यानी कि शरीयत के अनुसार अगर है तो उस विचारधारा को हम लोग बासरा के रूप में जानते हैं, यानी कि अनुकूल होना, शरीयत के सिद्धांतों के अनुकूल होना। ये कितने का आता है? ये एक तो ले ही लेंगे इनसे, जोशी जी से है? ये चार्जिंग हो जाता है ना? हाँ अच्छा, पूरा सेट सही है, काम चल जाएगा, फिर दूसरे जगह दे देंगे जब खत्म हो जाएगा। स्टार्ट है अब, देखो आप स्टार्ट। सॉरी फॉर इंटरप्शन अगेन, व्यवधान आ रहा बीच बीच में। अब आप देखो कि जो विचारधाराएं हम लोग पढ़ रहे थे कि सफ़ा है, सूफ है, सफ है, सोफिया है, शमा है, खानकाह है, पीर है, मुरीद है, वजूदिया है, शुहुदिया है, और मुकामात की विभिन्न अवस्थाएं हैं। 10 घाटियों से होकर सूफी साधक को गुजरना पड़ता है, जिसमें उबोदियत की अवस्था है, शरीयत की अवस्था है, तरीकत की अवस्था है जिसको हम लोग उदारवादी अवस्था कहते हैं, और मरीफत की अवस्था है, मोक्ष प्राप्ति की अवस्था, और हकीकत की अवस्था है जिसमें एक तरह से कह लीजिए कि रियलिटी का पता चलता है। पीर मुरीद की मुरीद पीर की सहायता से उस रियलिटी तक पहुँचता है, और फना जो है विलीनीकरण की अवस्था, और जब पूर्ण रूप से जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, यानी कि जब साधक जो है साधिका में पूरी तरह विलीन हो जाता है, तो उसी को हम लोग फना की अवस्था से बका की अवस्था में चले जाते हैं। तो भेदभाव खत्म हो जाता है, उसी को हम लोग वजूदिया की अवस्था के नाम से जानते हैं। अब दो शाखाओं में विभाजित होता है, एक बासरा और एक बेसरा। बा का मतलब होता है अनुकूल, यानी कि जो शरीयत के अनुसार नियम सिद्धांत को फॉलो करता है उसको बासरा कहते हैं, और जो बेसरा का मतलब है कि जो अनुकूल नहीं है उस विचारधारा को हम लोग बेसरा के नाम से जानते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए कि कुछ जो सूफी शब्दावली हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो है खिरका है, खिरका भी एक तरह से वस्त्र है। हक जो है परमात्मा को कहते हैं खल्क, एक शब्द आता है खल्क जो सृष्टि को कहा जाता है। एक बैयत शब्द आता है, बैयत का मतलब जो शिष्यता ग्रहण करने के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है। एक बड़ा फेमस शब्द है जो बार बार आता है, बैयत शब्द। बैयत शब्द का मतलब है कि शिष्य बनने के लिए, बैयत शब्द शिष्य बनने के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है, जो संस्कार किया जाता है, उसको बैयत के नाम से जानते हैं। इस तरह से समा संगीत हैं, खानकाह हैं, सुहुदियाँ हैं, वजूदियाँ हैं, ये सारी विचारधाराओं को, क्योंकि सूफी में आप देखोगे कि जो परंपराएं हैं, या तो शब्दावलियों से क्वेश्चन आएगा या तो सिलसिले से क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद हम लोग सिलसिलों पर चलते हैं, और एक शब्द और बार बार
आपको मिलेगा चिल्लाए माकूश, यानी कठोर जप तप करके अपने शरीर को यातना देना, योग की प्रक्रिया, जिसको निजामुद्दीन औलिया ने 27 सिलसिला में वो देखने को मिलेगा, पूरी योग की प्रक्रिया देखने को मिलेगी 27 सिलसिला में। जप तप योग के द्वारा अपने शरीर को एक तरह से कह लीजिए यातना देना, जिसको हम लोग चिल्लाए माकूस के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं सूफीवाद के अंतर्गत विभिन्न जो सिलसिले रहे भारत में, आप देखोगे ढेर सारे सिलसिले हैं, जिसमें अबुल फजल ने आईने अकबरी में 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। और वैसे तो ढेर सारे सिलसिले, लेकिन भारत में कुछ सिलसिले महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप देखोगे एक सिलसिला है भारत में, चिश्ती सिलसिला। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चिश्ती सिलसिले से आता है। चिश्ती सिलसिले में आप देखोगे कि भारत में जब चिश्ती सिलसिले का संस्थापक देखा जाता है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लेकिन ऐसे देखा जाए तो एक आपके वो उस्मान हारूनी साहब थे जो पहले, और अगर बिल्कुल शुरुआती दौर में देखा जाए तो शेख इस्माइल जो है ये 1001 के आसपास महमूद गजनवी के साथ ये आए थे, लेकिन लाहौर में ही ये रह गए शेख इस्माइल साहब। और इसके बाद आप देखोगे कि इन्हीं की परंपरा में एक आएंगे अल हुजवीरी साहब ने एक पुस्तक लिखा था, ये भी इनका खानकाह जो है इनका लाहौर में ही है। तो अल हुजवीरी साहब ने एक पुस्तक लिखा था कश्म उल महजूब करके, कश्म उल महजूब करके एक पुस्तक आई थी, जो सूफीवाद पर पहली पुस्तक अरबी भाषा में है। और कश्म उल महजूब करके एक पुस्तक है अरबी भाषा में, जो अल हुजवीरी साहब के द्वारा लिखी गई थी, और ये जो है सूफिज्म पर पहली पुस्तक है, अरबी भाषा में लिखी गई है, और ये अल हुजवीरी के द्वारा लिखी गई। तो इस पुस्तक को भी ध्यान में रखना है, इस पुस्तक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद आप देखोगे कि अबू इशाक शामी चिश्ती करके हैं, जो इस सिलसिले के प्रणेता हैं खुराशान में चिश्त गांव में, यानी कि खुराशान में चिश्त गांव में इस सिलसिले के प्रणेता हैं अबू इशाक शामी चिश्ती। और इसी के बाद आप देखोगे कि एक उस्मान हारूनी साहब लाहौर में थे, लाहौर में इन्होंने इनका दरगाह है, और उस्मान हारूनी साहब के ही निर्देश पर ये गुरु हैं जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, और इन्हीं के निर्देश पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आगमन भारत में हो रहा है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारत में 1192 में, यानी कि जो तराइन का दूसरा युद्ध हो रहा था, मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत में आए, और यहाँ पर इन्होंने अपना एक तरह से मुख्य केंद्र जो है दिल्ली को पहले बनाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें दिल्ली रहने नहीं दिया, तो फिर ये अजमेर चले गए। फिर इन्होंने अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया, और अजमेर में ही गरीब नवाज के नाम से भी ये जाने जाते हैं, और अजमेर में ही ख्वाजा साहब का दरगाह भी बना हुआ, जो अजमेर शरीफ के नाम से फेमस है। और इनको सुल्तानुल हिंद के नाम से जाना जाता, हिंद का सुल्तान, जो मोहम्मद गोरी ने एक टाइटल दिया था, सुल्तानुल हिंद के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अजमेर को अपना बनाया, और इन्हीं की परंपरा में आप देखोगे कई जो है इनके शिष्य हुआ करते थे, जिसमें एक हमीदुद्दीन नागौरी हुआ करते थे। हमीदुद्दीन नागौरी साहब हैं, हमीदुद्दीन नागौरी एक शिष्य हैं इनके, और एक बख्तियार काकी साहब,
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी साहब हैं जो रोटियों वाले संत हैं, भाग्य बंधु के नाम से भी इनको जानते हैं और ये दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हैं और इन्हीं के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। कुतुब मीनार यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण इन्हीं के सम्मान में हुआ है जो बख्तियार काकी साहब हैं। और हमीदुद्दीन नागौरी साहब को कहा जाता है कि जब भारत में इस्लाम की स्थापना होती है उसके बाद जो पहले सूफी संत भारत में जन्म लेते हैं वो हमीदुद्दीन नागौरी साहब हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि मांसाहारी जीवन व्यतीत करते थे, ये मांसाहार छोड़कर शुद्ध रूप से शाकाहारी जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि जीवन पर्यंत इन्होंने मांस का विरोध किया और शाकाहारी जीवन व्यतीत करते थे और खेती बाड़ी से अपनी जीविका चलाते थे। यानी कि ऐसे सूफी संत जो कृषि कर्म को अपना जीविका का आधार बना रहे हैं हमीदुद्दीन नागौरी, और इन्होंने राजस्थान में नागौर को अपना प्रसिद्ध केंद्र बनाया। इसके बाद आप देखोगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, जैसे आप रामदेव हैं, जयपाल जोगी हैं, जिनको भेजा था इन्होंने ख्वाजा जो है इनको अजमेर से हटाने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने, तो ये जो रामदेव हैं और जयपाल हैं ये दोनों इनके शिष्य बन जाते हैं। यानी कि ख्वाजा साहब के शिष्य परंपरा में बख्तियार काकी साहब हैं और बख्तियार काकी साहब के शिष्य परंपरा में एक प्रसिद्ध सूफी संत आएंगे जिनका नाम है बाबा फरीद। बाबा फरीद हैं जिनको फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बाबा फरीद या फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर के नाम से इनको जानते हैं, यानी कि मिठास, इनके बाड़ियों में मिठास बहुत है और अजोधन में मकपाटन में इनका दरगाह बना हुआ है, बाबा फरीद के नाम से हैं। और बलबन के समकालीन ये थे और बलबन ने अपनी पुत्री का ब्याह बाबा फरीद के साथ किया था और बलबन के दामाद भी हुआ करते थे ये, और इनका प्रसिद्ध मेला मकपाटन में लगता है। और यही बाबा फरीद हैं जिनके बाणियों का संग्रह गुरु अर्जुन देव के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। तो गुरु अर्जुन देव के आदि ग्रंथ में या गुरु ग्रंथ साहब में 1600 संतों की बाणियां हैं जिसमें बाबा फरीद का भी नाम मिलता है, बाबा फरीद के भी बाणियों का संकलन किया गया है। इसके बाद आप देखोगे इन्हीं के शिष्य परंपरा में एक बहुत बड़े सूफी संत आएंगे बदायूं के, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़े सूफी संत हैं जो बदायूं के हैं, निजामुद्दीन औलिया, और दिल्ली में ग्यासपुर में इनका जो है दरगाह बना हुआ है और वहीं जो है, और निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि इनको महबूबे इलाही की उपाधि मिली थी और सुल्तानुल तारिकीन की उपाधि इनको मिली थी, यानी कि सुल्तान के रूप में, राजा सन्यासियों के सुल्तान के रूप में, और इन्होंने 7-7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। लेकिन ये किसी के दरबार में जाते नहीं थे क्योंकि चिश्ती सिलसिले के बारे में आप एक चीज़ समझ लेना कि बहुत सिंपल लिविंग, मतलब गरीबी में जीवन व्यतीत कर लेना लेकिन कोई राजकीय संरक्षण नहीं प्राप्त करना, लोभ और लालच में नहीं पड़ना और धन के पीछे नहीं भागना, ये सब चिश्तिया सिलसिले की बड़ी खूबी है, बड़ी विशेषता। और निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि ये महबूबे इलाही के रूप में थे और इन्हीं के शिष्य परंपरा में पूरे भारत में सूफीज्म का प्रचार प्रसार हुआ। यानी कि अगर कहा जाए कि अखिल भारतीय बनाने का श्रेय, यानी कि चिश्तिया सिलसिले को ऑल ओवर इंडिया में फैलाने का श्रेय, दक्षिण भारत में भी फैलाने का श्रेय किस सूफी संत को दिया जाता है, तो वो निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के बारे में ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी ने कई बार इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे दरबार में आओ, तो ये कहा करते थे कि हमारे पास 2 दरवाजे हैं, आप एक से आओगे तो हम दूसरे से निकल जाएंगे, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हो। और ये इतने बड़े सूफी संत थे कि जब जो है गयासुद्दीन तुगलक जा रहा था वहाँ बंगाल विजय पर, तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि भाई आप दिल्ली छोड़कर चले जाओ,
क्योंकि इन्होंने जो है खुसरो शाह के द्वारा कुछ धन दिया गया था 5 लाख टंका, तो उसको उन्होंने ले लिया था। तो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक जब सिंहासन पर बैठा तो उन्होंने धन मांगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो धन समाप्त खत्म हो गया। तो इन्होंने जब वो स्टेटमेंट जारी किया तो इन्होंने कहा कि हनोज दिल्ली दूरस्थ, अभी आप दिल्ली आओ। तो जब दिल्ली में वो प्रवेश कर रहे थे तो अफगानपुरी में एक लकड़ी का महल बना हुआ था और उसमें हाथियों का भगदड़ हो गया, और हाथियों के भगदड़ में वो महल में सुल्तान गिरा और वहीं महल में अपने बेटे के साथ उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से कहा जाता है कि वो बड़ा एक संदर्भ आता है हनोज दिल्ली दूरस्थ, वो बहुत ही। और इन्हीं के शिष्य परंपरा में आप देखोगे तो ढेर सारे जो है इन्हीं के शिष्य परंपरा में सभी जो है आएंगे, जैसे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य परंपरा में, यानी कि अमीर खुसरो किसके शागिर्द हैं, अमीर खुसरो किसके मुरीद हैं, तो निजामुद्दीन औलिया साहब के हैं। और इनको अमीर की टाइटल जो है जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था, खुसरो की टाइटल इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। और ये जो अबुल हसन के मूल नाम से विख्यात थे, और कासगंज पटियाली में ये 1253 में इनका जन्म हुआ था, और विभिन्न राग रागिनियों के ये जन्मदाता थे, और तबला और सितार के आविष्कारक थे, और बहुत ढेर सारी मसनवी इन्होंने लिखा, जैसे तुगलक नामा है, नू शिपिहर है, और किरानुश शादेन है, आशिका है, मिफ्तापुल फितू है, खजाइनुल फितू है, विभिन्न प्रकार के मसनवियों के लेखक हैं ये, तबला और सितार के आविष्कारक हैं। और इनको अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्कल्लाह की उपाधि से विभूषित किया था, यानी कि ढेर सारी उपाधियां, नायक की उपाधि भी इन्हें मिली थी। तो अमीर खुसरो भी इन्हीं के परंपरा में। एक और इन्हीं के परंपरा में है बहुत फेमस जो है सूफी संत हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि बहाउद्दीन गरीब, यानी कि दक्षिण भारत में है बहाउद्दीन गरीब। और बहाउद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में सूफी सिलसिले का प्रचार प्रसार किया और दौलताबाद को अपना मुख्य केंद्र बनाया, और दौलताबाद को अपना मुख्य केंद्र बनाकर और दक्षिण भारत में सूफी सिलसिले का प्रचार प्रसार करने का श्रेय अगर दिया जाए तो बहाउद्दीन गरीब को दिया जाएगा। इसके बाद एक बंगाल में इन्हीं के परंपरा में एक सूफी संत आए, जिनको हम लोग सिराजुद्दीन उस्मानी के नाम से जानते हैं। और सिराजुद्दीन उस्मानी साहब जो है इनको जो है हिंद का सिराज कहते हैं, यानी कि हिंद का दर्पण कहते हैं, आईने हिंद के नाम से इन्हें जाना जाता है, हिंद का आईना, यानी कि आईने हिंद की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया, जो आईएएस में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि आईने हिंद की उपाधि से किसको विभूषित किया गया, तो सिराजुद्दीन उस्मानी साहब बंगाल में सूफी सिलसिले का प्रचार प्रसार करते हैं, जो किसके सिलसिले में है, यानी कि निजामुद्दीन औलिया के ही शागिर्द हैं। एक और सूफी संत हुआ करते थे, जिनको हम लोग कहते हैं कि जो है चिराग आए दिल्ली करके, चिराग ए दिल्ली करके एक सूफी संत हुआ करते थे, इन्हीं की परंपरा में ये भी हैं। और इन्हीं के परंपरा में एक दक्षिण भारत में सूफी संत आएंगे, जो एक तरह से कह लीजिए कि इनके परंपरा में हैं, और उनका नाम है गेसुदराज बंदा नवाज के नाम से, बंदा नवाज के नाम से। जैसे एक आपको संत मिले थे अल हुजवीरी साहब, जिनको सामान्य लोगों में दातागंज के नाम से प्रसिद्धि मिली थी, उसी तरह से दक्षिण भारत में सूफी सिलसिले को गुलबर्गा को हेडक्वार्टर बना के प्रचार प्रसार करने वाले हैं, लंबे बालों वाले हैं गेसुदराज। गेसुदराज का मतलब लंबे बालों वाले सूफी संत, और गेसुदराज और लोगों में बंदा नवाज के नाम से इनको नवाजा गया। तो ये भी जो है भारत में, दक्षिण भारत में सूफी सिलसिले का प्रचार प्रसार किए। इसी तरह से एक शेख सलीम चिश्ती हैं, उनके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि उनका जो दरगाह है वो फतेहपुर सिकरी में है, और इन्हीं के आशीर्वाद से बेटा सलीम जो जहांगीर है, बेटा सलीम का जन्म हुआ। और मिन्नतें मांगने के लिए अकबर जाया करता था, और अकबर की राजधानी भी रही है 15 वर्षों तक फतेहपुर सिकरी। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। और आप देखोगे अकबर को कहा जाता है कि 14 बार अकबर जो है ख्वाजा साहब के दरगाह पर जाता है नंगी पैर, और 2 बार तो ये स्थिति आती है कि ख्वाजा साहब के दरगाह पर, जब एक बार हल्दी घाटी की मेवाड़ की विजय होती है तब,
और एक बार सलीम का जब जन्म होता है, यानी कि जगत गोसाई और फारखा बाई के गर्भ से सलीम का जन्म होता है, और 15 यानी कि 1569 में नंगे पैर ख्वाजा साहब के मज़ार पर, दरगाह पर मत्था टेकने के लिए अकबर जाता है। अब आप सोचो कि कोई अगर बादशाह मत्था टेकने के लिए दरगाह पर जा रहा है तो वो दरगाह की कितनी बड़ी महत्ता बढ़ेगी और दुनिया का केंद्र बिंदु बनेगा। और ऐसे समय में आप देखो कि बहुत हाईलाइट हो जाता है ख्वाजा साहब का दरगाह और मिन्नतों को पूरा करने का बहुत बड़ा एक केंद्र हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ढेर सारे सूफी संत हैं इस सिलसिले में। इसी तरह से एक गंगा पार के सूफी संत हैं जिनको कहा जाता है कि अलख के नाम से, अलख निरंजन के नाम से, अलख के नाम से कविताएं किया करते थे, और अब्दुल कुद्दूस गंगोही करके हैं। अब्दुल कुद्दूस गंगोही को कहा जाता है कि ये अलख निरंजन का उद्घोष करते थे, और इन्होंने अलख नाम से एक इल्मी इलाही मोहम्मदी के नाम से इन्होंने अपनी रचनाओं को दिया था, और ये कहते थे कि जो निरंजन है, जो खुदा है, वो एक ही है। और इस तरह से योग की परंपरा पर बल देने के लिए इल्मे इलाही मोहम्मदी के नाम से अलख निरंजन का उद्घोष करने वाले एक सूफी संत हुए जो अब्दुल कुद्दूस गंगोही करके हुए, जो गंगा पार के सूफी संत हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत में सूफी सिलसिले का प्रचार प्रसार करने में सबसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका किसी सिलसिले की रही तो वो सिलसिला रहा जो है चिश्तिया सिलसिला। और चिश्तिया सिलसिला के बारे में कहा जाता है कि ये सिंप्लिसिटी में विश्वास करता था, सादगी में विश्वास करता था, कोई तड़क भड़क नहीं था, न राजकीय संरक्षण में विश्वास करता था। इसी तरह का एक सिलसिला आएगा श्वरावर्दी सिलसिला। श्वरावर्दी सिलसिला में आप देखोगे तो एक बहाउद्दीन श्वरावर्दी हैं, इसके प्रणेता हैं बहाउद्दीन श्वरावर्दी। बहाउद्दीन श्वरावर्दी हैं इसके प्रणेता हैं जो भारत के बाहर, लेकिन जो भारत में हैं वो बहाउद्दीन जकारिया के नाम से हैं। बहाउद्दीन जकारिया के नाम से एक बहुत बड़े सूफी संत हुए, यानी कि बहाउद्दीन जकारिया को कहा जाए कि ये भारत में सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे, और मुल्तान, लाहौर, उच्च पंजाब आदि के क्षेत्रों में इस सिलसिले का बड़ा प्रचलन था। लेकिन ये सिलसिला जो है चिश्ती सिलसिला का जस्ट अपोजिट, यानी कि इस सिलसिले को अगर कहा जाए कि ये जो है तड़क भड़क में विश्वास करता था, धन के संग्रह में विश्वास करता था, लोभ लालच में एक तरह से विश्वास करता था, और इसको कहा जाए कि सबसे संपन्न सूफी संत जो है वो बहाउद्दीन जकारिया साहब थे, जो उस समय के सबसे संपन्न सूफी संत थे, और इनको शेखुल इस्लाम का पद दिया था इल्तुतमिस ने। और इल्तुतमिस के समय में ये कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिस का युद्ध में साथ भी दिए थे, यानी कि इल्तुतमिस के समय में शेखुल इस्लाम का पद इन्हें दिया गया और कुबाचा के विरुद्ध इन्होंने जो है इल्तुतमिस का साथ भी दिया, यानी कि लड़ाई और झगड़े में भी ये शामिल होते थे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इन्हीं के सिलसिले में जो है एक अबुल फत शेख करके थे, और अबुल फत शेख की तुलना जो है वो की जाती है निज़ामुद्दीन औलिया से। ये थोड़े सादगी में विश्वास करते थे और एक तरह से कह लीजिए धन वगैरह का, तो ये निज़ामुद्दीन औलिया की तरह इनकी तुलना की जाती है अबुल फत शेख करके हैं जो इस सिलसिले में है स्वरावर्दी सिलसिले में। तो स्वरावर्दी सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए एक मखदूमे जहानिया करके थे इस सिलसिले में, जो 36 बार मक्का की यात्रा किए थे, यानी कि मक्का मदीना जाते थे 36 बार। और कहा जाता है कि इनके समय में, यानी कि इस सिलसिले में जो सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रियता पाए वो बहाउद्दीन जकारिया साहब रहे, लेकिन इनका नेचर जो है, यानी कि सोहरावर्दी सिलसिले का नेचर जस्ट अपोजिट है, यानी कि चिश्तीय सिलसिले से जस्ट अपोजिट इनका है, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि ये जो है लोभ और धन आदि में विश्वास करते थे और राजकीय संरक्षण को स्वीकार करते थे। इसी तरह से भारत में एक सिलसिला आया जिसको हम लोग कादरी सिलसिला कहते हैं। कादरी सिलसिला को आप देखोगे तो कादरी सिलसिला में एक अब्दुल कादिर जिलानी करके हैं। अब्दुल कादिर जिलानी का नाम मिलता है जो इसके प्रणेता हैं,
लेकिन शेख मखदूम जिलानी, यानी कि मखदूम जिलानी जो है वो भारत में इस सिलसिले के प्रणेता हैं। लेकिन अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहले सूफी संत के रूप में देखा जाए तो मियां मीर का नाम मिलता। बार बार क्वेश्चन यहाँ से आता है मियां मीर से, और मियां मीर को कहा जाता है कि ये अर्जुन देव के समय में जो हरमिंदर साहब है, स्वर्ण मंदिर है, उसकी नींव रखे थे। यानी कि जो हरमिंदर साहब अर्जुन देव के समय में हरमिंदर साहब, या जिनको हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उसकी नींव रखने का श्रेय मियां मीर को दिया जाता है। और ये कादरी सिलसिले में सबसे लोकप्रिय और चर्चित सूफी संत के रूप में थे मियां मीर। और मियां मीर की ही परंपरा में एक आए जिनको हम लोग मुल्ला शाह बदक्सी कहते थे। बदक्सा के हैं, अफगानिस्तान के हैं मुल्ला शाह बदक्सी। और मुल्ला शाह बदक्सी के ही परंपरा में आए दारा शिकोह, यानी कि दारा शिकोह, यानी कि औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह को अगर देखा जाए कि किस सिलसिले में है तो कादरी सिलसिले में है। और कादरी सिलसिला भी एक तरह से कह लीजिए कि इसमें प्रतिक्रियावादी तत्व भी है और बड़े कठोर हैं, संगीत और समा के विरोधी हैं। और कादरी सिलसिला भी एक कट्टरवादी सिलसिला के रूप में जाना जाता है। और इसी में दारा शिकोह हुए, और दारा शिकोह के साथ ही साथ जहां नारा भी इसी सिलसिले में शामिल थी। और दारा शिकोह के द्वारा ढेर सारे ग्रंथों की रचना की गई। एक नाम सुने होंगे आप दारा शिकोह, जैसे योग वशिष्ठ है, उपनिषद है, 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया सिर्रे अकबर के नाम से। दारा शिकोह ने सूफीवाद पर कई ग्रंथ लिखे, जैसे एक इन्होंने लिखा है मज्म उल बहरीन, सागर सम्मिलन के नाम से मज्म उल बहरीन, यानी कि दो धर्मों का मिलन, मज्म उल बहरीन के नाम से हिंदू मुस्लिम एकता पर फारसी में दारा शिकोह ने एक ग्रंथ लिखा। और इसके बाद दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसको एक नाम दिया गया सिर्रे अकबर। ये बार बार क्वेश्चन आता है, यानी कि सीक्रेट द ग्रेट। अब आप देखो दारा शिकोह कितना महान, यानी कि 52 उपनिषद, 108 उपनिषद हैं जिसमें 52 उपनिषद का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा किया गया। और उसका टाइटल क्या रखा गया, मिस्ट्री द ग्रेट, यानी कि सिर्रे अकबर के नाम से। और इन्हीं के द्वारा शफीनतुल औलिया, शफीनतुल औलिया, शफीनतुल औलिया के नाम से, और शकीनतुल औलिया के नाम से, शकीनतुल औलिया के नाम से ढेर सारे सूफी संतों के, यानी कि इस तरह से कलेक्शन किए गए। और तारीफिन मारिफिन के नाम से सूफीवाद पर ढेर सारे ग्रंथ लिखे गए। इसका मतलब दारा शिकोह जो है किस सिलसिले में शामिल हैं, तो कादरी सिलसिले में। और दारा शिकोह के द्वारा कौन से ग्रंथ लिखे गए, तो हिंदू मुस्लिम एकता पर एक ग्रंथ लिखा गया मज्मुल बहरीन, और 52 उपनिषदों का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया, जिसे सिर्रे अकबर के नाम से जाना जाता है। और शफीनतुल औलिया और सकीनतुल औलिया इनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ। इसी प्रकार से देखोगे आप एक सिलसिला और भारत में है जिसको हम लोग बहुत ही कट्टरवादी सिलसिले के नाम से जानते हैं, और जिस सिलसिले का नाम है नक्शबंदी सिलसिला। यानी कि औरंगजेब इसी सिलसिले में होगा, नक्शबंदी सिलसिला। ये समा और संगीत का बिल्कुल विरोधी सिलसिला। और यहाँ कहा जाता है कि जो बहाउद्दीन नक्शबंदी हुए और ख्वाजा बिल्लाह हुए, नक्शबंदी सिलसिले में आप देखोगे पहले जो है बहाउद्दीन नक्शबंदी करके हैं, बहाउद्दीन नक्शबंदी जो इसके प्रणेता के रूप में है, और ख्वाजा वाकिबिल्लाह भारत में इसके संस्थापक हैं वाकिबिल्लाह। लेकिन इसमें जो भारत में सबसे लोकप्रिय संत रहे, शेख अहमद सरहिंदी का नाम याद रखना है। और शेख अहमद सरहिंदी अपने को धर्म सुधारक के रूप में, यानी कि मुजाहिद के रूप में जाने जाते थे, कयूम के रूप में, मुजाहिद के रूप में इनका नाम बड़ा फेमस रहा है। और इनके नीतियों के कारण जहांगीर ने इन्हें जो है एक तरह से अहमदनगर के किले में कैद कर रखा था। और इन्हीं के बाद आप देखोगे
तो इनको कहा जाता है कि ये वहदतुल वजूद की विचारधारा का एक तरह से विरोध करते हुए वहदतुल सुहूद की विचारधारा का एक तरह से कह लीजिए कि समर्थन किया इन्होंने शेख अहमद सरहिंदी। और इनको कहा जाता है कि ये बड़े कट्टरवादी जो है सूफी संत थे, और इनके बाद जो है इन्हीं की परंपरा में एक आए शेख मासूम साहब। और शेख मासूम जो है ये औरंगजेब के गुरु हुआ करते थे, और औरंगजेब ने 1679 में इन्हीं से प्रभावित होकर जजिया कर को लगाया था। यानी कि जजिया कर को भारत में अगर देखा जाए तो शेख मासूम के कहने पर औरंगजेब ने जजिया कर का इम्प्लीमेंटेशन भारत में किया था। यानी कि औरंगजेब के सिलसिले से बिलोंग करेगा नक्शबंदी सिलसिला, जो भारत में एक तरह से समा संगीत का विरोधी रहा और बहुत कट्टरवादी सिलसिला रहा, और ये शरीयत के अनुसार चलने वाला भारत में एक महत्वपूर्ण सिलसिला रहा। इसके बाद आप लास्ट में देखोगे तो एक सिलसिला आता है जो मध्य भारत में है। मध्य भारत में एक सिलसिले का नाम मिलता है जिसको हम लोग ग्वालियर के आसपास कहते हैं, और सत्तारी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला है। सत्तारी सिलसिले को आप देखोगे तो इसमें एक प्रणेता के रूप हैं शेख अब्दुल सत्तार। शेख अब्दुल सत्तार हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि यह जो है एक तरह से सुल्तान के भेष में चलते थे, और इनके सैनिक जो है इनके अनुयायी जो है सैनिक के भेष में चलते थे। और इसी के बाद आप देखोगे शेख अब्दुल सत्तार के बाद इस सिलसिले में एक लोकप्रिय संत आएंगे, शाह मोहम्मद गौश। शाह मोहम्मद गौश ग्वालियरी के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के शिष्य परंपरा में तानसेन हुआ करते थे, जो रामतनु पांडे थे, और तानसेन और हुमायूं, हुमायूं भी इनसे बहुत प्रभावित रहता था। और तानसेन का भी आप देखोगे तो ग्वालियर में ही बना है, और इनका भी जो है खानकाह ग्वालियर में बना है, और ये कृष्ण के औलिया के रूप में जाने जाते थे। यानी कि शाह मोहम्मद गौश का नाम बड़ा फेमस रहा सत्तारी सिलसिले में। इस प्रकार से आप देखोगे तो ढेर सारे सिलसिले हैं भारत में जिसको हम लोग महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो चिश्ती। और एक अगर इसमें एक लास्ट में हम लोग अगर इसको समायोजित करें और इसका समग्र विवेचन करें तो आप देखोगे कि जो सूफीवाद यानी कि हिंदू संस्कृति का जो सूफी संस्कृति पर प्रभाव पड़ा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। यानी कि जो हमारी हिंदुई कल्चर है, जैसे योग की परंपरा, जैसे एक आप हठ योग पर अमृत कुंड नामक ग्रंथ है जिसका फारसी में अनुवाद बहरुल हयात के नाम से किया गया, और एक सैयद मुर्तजा थे जिन्होंने योग कलंदर योग करके पुस्तक लिखा, योग कलंदर करके पुस्तक लिखा, और एक हरदोई के थे वाजिद यानी कि अली वाहिद करके थे, उन्होंने हकैके हिंदी के नाम से एक कविताओं का संकलन किया। यानी कि हकैके हिंदी में उन्होंने राधा कृष्ण वंशी और मथुरा और ब्रज का और पूरा उल्लेख किया। यानी कि हिंदुइज्म यानी कि हिंदू कल्चर का भी सूफीवाद पर बहुत ढेर सारा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कुतुबन है, मंझन है, उस्मान है, इनका भी बहुत ढेर सारा प्रभाव सूफिज्म पर रहा है। और अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो सूफीवाद का भी भारत के सभ्यता और संस्कृति पर ढेर सारा प्रभाव रहा। अगर सूफीवाद के प्रभाव को देखना है तो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में इसको देखा जा सकता है, जैसे उर्दू के विकास में, जैसे पंजाबी के विकास में, जितनी क्षेत्रीय भाषाएं थी इनके विकास में सूफीवाद का प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। और सूफिज्म के प्रभाव के कारण ही जो एक हिंदू मुस्लिम जो गंगा यमुना संस्कृति जो गंगा यमुना तहजीब विकसित हुई है उसमें कहीं ना कहीं सेतु का काम किया है सूफिज्म, क्योंकि सूफी गुरु की महिमा पर आधारित था, सदाचार पर आधारित था, नैतिकता पर बल देता था, एकता को स्थापित करता था, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो है गंगा यमुना संस्कृति को भी प्रभावित किया। और लास्ट में आप देखोगे तो नगरीकरण की परंपरा, जो भारत में नगरीकरण की परंपरा को प्रोत्साहन देना, क्योंकि इनके जो दरगाह होते थे वो जंगलों में होते थे, जैसे मकपाटन का है दिल्ली में है, जैसे मकपाटन वाला है अजोधन वाला है, तो इस तरह से जो इनके दरगाह होते थे जैसे ख्वाजा साहब का अजमेर शरीफ में है, वो धीरे धीरे एक जब वहाँ पर श्रद्धालु आने लगे, जब जियारत करने लोग आने लगे
तो वहाँ धीरे धीरे वो एक अर्बनाइजेशन का रूप लिया, यानी कि नगरीकरण का रूप लिया। तो समाज संगीत के क्षेत्र में भी आप देखोगे बहुत बड़ा इनका प्रभाव रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सूफीवाद का कहीं ना कहीं जो है भारत के पूरे कल्चर पर पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज हम लोगों ने जो है सूफी आंदोलन का बड़ा विस्तार से अध्ययन किया, इसके विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन किया, कैसे कैसे भारत में इसका विकास हुआ, विकास के विविध चरणों का अध्ययन किया। अब इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो जो है एक तरह से कह लीजिए मुगल वंश पर होगा। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं इसको। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। हिस्ट्री की बुक, हिस्ट्री की जैसे कल्चर पर है तो सिंघानिया की ले लें, बकिया एनसीईआरटी। कल्चर पर अगर है तो नितिन सिंघानिया की पढ़ो आप, बहुत बेहतरीन कल्चर की किताब है। और वैसे तो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक की, और 11 12 की एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी को आप आधार बनाओ, बकिया जो हमारे जितने वीडियो हैं उनको पास करके आप नोट्स बनाया करो, वही पूरा समग्र है, क्योंकि 10 किताबों का कलेक्शन हम खुद देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग अगले टॉपिक पर मिलेंगे मुगल वंश करके। जय हिंद, जय भारत। मैम लेंगे क्लास?